Shri Prahlad, Prahlad Singh Patel, please. धन्यवाद सभापति महोदय. मैंने पिछले सत्र के दौरान सत्र के अंतिम दिन इस बिल को सदन के सामने रखा था. एक जलियांवाला बाग संशोधन विधेयक 2019 को मैंने पिछले सत्र के दौरान आखिरी दिन मैंने इंट्रोड्यूस किया था. मैं सदन से चाहता हूं कि इस बिल में तो लोकसभा से पारित हुआ है और ऐसे भी कोई प्रावधान इसमें नहीं है. जलियांवाला बाग की शताब्दी भी पूरी हो गई है सभापति महोदय, और मैं जिस प्रकार से लोकसभा ने इस बिल को पास किया है और उसमें जो संशोधन है वो संशोधन भी बहुत छोटे छोटे संशोधन है. जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1991 की धारा 4 के तहत हमने दो संशोधनों को प्रस्तुत किया है जो लोकसभा ने पारित किए हैं. पहला है कि खंड खाका लोप किया जाना, और दूसरा है कि खंड खाके खंड में मामूली संशोधन ये है कि लोकसभा में जो विपक्षी दल के नेता के तौर पर मान्यता प्राप्त नेता प्रतिपक्ष, या जहां ऐसा नेता प्रतिपक्ष मौजूद नहीं है तब उस सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता होगा. एक बहुत छोटा संशोधन है. तीसरा संशोधन है कि मूल अधिनियम की धारा 5 में जो संशोधन है कि बशर्ते धारा 4 की धारा के अनुसार अगर कोई न्यासी को अगर 5 वर्ष का जो कार्यकाल है तो सरकार चाहे तो उस कार्यकाल को 5 साल के पहले ही समाप्त करके उससे पुनर्नियुक्ति कर सकती है. ये तीन छोटे छोटे संशोधन इस बिल के भीतर हैं. मैं चाहता हूँ कि सदन इस प्रकार लोकसभा ने इसको पारित किया है इसको पारित करके, क्योंकि जलियांवाला बाग के 100 वर्ष पूरे हुए हैं. वो एक राष्ट्रीय स्मारक है और उसका स्वरूप एक राष्ट्रीय स्मारक की भांति उसमें हो, और देश के तमाम वो लोग जो उसके प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा रखते हैं उसकी भागीदारी इसके भीतर हो, और ताकि एक राष्ट्रीय स्वरूप इस न्यास का हो. तो मैं सदन से आपके माध्यम से प्रार्थना करूँगा कि हम सब इस बिल को पास करें.